नमस्कार एंड हेलो, आप देख रहे हैं फिल्मी खबरों से जुड़ा हमारा खास शो बॉलीवुड गपशप। मैं हूं काजोल नारायण। तो चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड गपशप। बॉक्स ऑफिस पर रॉकी भाई का हथौड़ा ताबड़तोड़ चल रहा है। रिलीज के पहले से केजीएफ 2 को लेकर शुरू हुआ बज और बढ़ता ही जा रहा है। इस बज के कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है। फिल्म लगातार बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। केजीएफ 2 ने अब तक 29 रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई रिकॉर्ड इस फिल्म ने बनाए भी हैं, लेकिन ये फिल्म एक रिकॉर्ड लोगों के दिलों में बना रही है, लोगों को पसंद आने का रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड सबसे बड़ा है। साउथ और नॉर्थ दोनों ही बेल्ट में फिल्म कमाल कर रही है। 4 दिन में फिल्म ने दुनिया भर में 540 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। सिर्फ हिंदी वर्जन ने ही अब तक 193 करोड़ का कलेक्शन किया है। बाबा सिद्दीकी और जुशांत सिद्दीकी ने रविवार को मुंबई में ग्रैंड इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान और उनका लगभग पूरा परिवार शामिल हुआ। इसके अलावा पार्टी में शाहरुख खान भी पहुंचे थे। इन दो बड़े सितारों के अलावा भी कई फिल्मी और टीवी सितारे इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इफ्तार पार्टी के अंदर की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। इस तस्वीर में सलमान खान अपने पुराने दोस्त संजय दत्त के साथ बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। सलमान खान की इफ्तार पार्टी में पहुंचते ही सभी की निगाहें उन पर जा थमी। पेपराजी के कैमरे में भी सलमान की ओर ही मुड़े हुए नजर आए। इफ्तार पार्टी में बिग बॉस फेम शहनाज गिल भी पहुंची थी। शहनाज की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इफ्तार पार्टी में किंग खान यानी कि शाहरुख खान भी पहुंचे थे। शाहरुख काले रंग के कुर्ते पजामे में इस पार्टी में बेहद स्टनिंग लग रहे थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू कपूर के बेटे रणबीर कपूर हाल ही में दूल्हा बने। अब जब दुल्हन बन आलिया भट्ट उनके घर आ चुकी हैं, तो सास नीतू कपूर की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। खुशी का अंदाजा उनके चेहरे की चमक देखकर लगाया जा सकता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कपूर परिवार की कई तस्वीरें भी वायरल हुई। इन तस्वीरों को लोगों ने काफी पसंद किया, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी को ऋषि कपूर की याद जरूर आई। जी हाँ, जहाँ तस्वीर पूरा कपूर परिवार हंसी खुशी से शादी एंजॉय करता हुआ नजर आ रहा है इन तस्वीरों में, तो ये ऋषि कपूर की कमी हर किसी को खल रही है। ऐसे में फैंस ने तस्वीरों के माध्यम से ऋषि कपूर को शामिल करने की एक तरकीब निकाली, और ये तरकीब काफी हद तक कारगर भी साबित हुई। हाल ही में इंस्टाग्राम स्टोरी पर नीतू सिंह ने एक वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो में महेश भट्ट, सोनी राजदान, रिद्धिमा सहानी कपूर, शाहिन भट्ट और नीतू कपूर न्यूलीवेड कपल के संग पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। अब फैंस ने ऋषि कपूर की एक तस्वीर को फोटोशॉप कर उसमें ऐड कर दिया, जिसमें ऋषि कपूर कुर्ता पजामा पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को नीतू और ऋषि कपूर के बेटे रिद्धिमा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है। कंगना रनौत का शो लॉकअप शुरुआत से ही सुर्खियों में बना हुआ है। कभी शो में होने वाला एलिमिनेशन राउंड चर्चा का विषय रहता है, तो कभी शो में होने वाली वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर कयास लगाए जाते हैं। अब एक बार फिर नए कंटेस्टेंट्स के जुड़ने की खबर आ रही है। दरअसल शो में आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो में एक ऐसे कंटेस्टेंट की एंट्री होने वाली है जिसने आज तक एक भी शो नहीं हारा है। वो हर शो से विनर के रूप में बाहर आए हैं। इस कंटेस्टेंट का नाम है प्रिंस नरूला। जी हाँ, टीवी एक्टर प्रिंस नरूला ने इस बात की जानकारी खुद एक वीडियो के जरिए दी है। उन्होंने शो का एक प्रोमो वीडियो साझा किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर जल्द मां बनने वाली है। सोनम इन दिनों अपना प्रेगनेंसी पीरियड एंजॉय कर रही है। प्रेगनेंसी के दौरान सोनम लगातार अपने इंस्टाग्राम पर बेबी बम्प लॉन्च करते हुए फोटो शेयर कर रही है। हाल ही में सोनम ने एक ग्लैमरस फोटो शूट कराया, जिसमें ट्रांसपेरेंट काफ्तान में वो नजर आ रही है। ब्लैक काफ्तान के साथ सोनम की स्मोकी आईज तो और गजब ढा रही है। वही एक्ट्रेस ज्यादातर फोटोज में अपना बेबी बम्प लॉन्च कर रही है। हाल ही में दी इंटरव्यू में सोनम ने कहा है कि वो अभी 3 महीने प्रेग्नेंट है और ये सब कुछ बेहद कठिन है। एक्ट्रेस कहती है कि लोग ये नहीं बताते कि मां बनने की ये जर्नी कितनी कठिन होती है। तो ऐसी मजेदार फिल्मी खबरों के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।